बाहर निकाल, जल्दी बाहर निकाल। ओनर कहाँ है? ओनर कहाँ है? ओनर। अभी बताता हूँ तुझे क्या हुआ। कौन है ये आदमी जो सारा सामान अंदर डाले जा रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखकर इसे पकड़ा है। आप ही ओनर हैं? मैं प्रवीण हूँ। फिर ओनर कहाँ है? यही ओनर है। What? आपने जो सुना वही सही है, यही ओनर है। अरे तो फिर ये इस तरह इधर उधर देखकर सामान क्यों डाल रहा था? ये एक बीमारी है। ओ, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? ये डिटेल जरूरी है, मेरी दुकान है, मैं चुराऊं ना चुराऊं तुम्हें क्या करना है? देखो बेटा, तुम्हारा दिमाग कुछ डिफरेंट टाइप का लगता है। तुम अपनी ही शॉप में चोरी क्यों कर रहे हो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सर, ये यहाँ से सामान चुरा कर अपने घर ले जाता है और इसके पापा यहाँ लाकर वापस रख देते हैं। ओ, इसका मतलब ये शॉप में कोई सामान खरीदता नहीं? आपको इससे क्या करना है? आप जाइए और यार इनका जो भी लिया है इनको दे दो। अरे मेरा क्या लिया है भाई? आपका फोन। ओ, ये इसने कब चुराया? इसको भी नहीं पता। आप जाइए। ट्रॉली लेकर घंटे भर से शॉप में इधर उधर घूम रही हैं। बिल पे करने के लिए काउंटर पर क्यों नहीं जा रही हैं? वो क्या है ना, काउंटर पे जाऊंगी तो इनकाउंटर कर देंगे ना। क्या मतलब? मतलब बिल भर दूंगी तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा ना। तो अंदर रहकर क्या करोगी? पटाऊंगी। किसको? आपको। ये क्या, लोग सुपरमार्केट में सामान खरीदने आते हैं और तुम तकलीफ खरीदने आई हो? आई लव यू राजू, मैं तुम्हारी कॉलोनी के पास ही रहती हूँ। मैंने अपने पापा को भी बताया, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम हाँ बोल दो तो शादी कर लेते हैं। अरे यार इसको समझा। समझ गया। देखो बहन, हाथों में गोल्ड की चूड़ियाँ, गोल्ड रिंग, चांदी के झुमके, सोने के चैन, इसके साथ चैन से जीना अच्छा नहीं लगता क्या? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? देखो मैं किसी और से प्यार करता हूँ। किससे? एक बीमारी के साथ। किसी लड़की के साथ प्यार करने की ताकत नहीं है। ये इधर थे। आधा क्यों बोल रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ, मैं सब कुछ आधा आधा बोलता हूँ। तू इधर से नहीं जाएगी तो मैं जाऊँगा। बाय। जा जा जा। ए, ए, रुक। क्या बात है यार, ऐसे शॉप छोड़कर आ गया? लड़कियों से डर लगता है क्या? प्यार से डर लगता है। ऐसा मत बोल, कहीं ना कहीं भगवान ने तेरे लिए लड़की बनाई होगी। अरे यार, कोई लड़की मुझसे आई लव यू बोलती है तो मैं उसके दिल का हाल नहीं सुनता और ना ही अपने दिल की कोई बात कह पाता हूँ। बस उसके कंगन, बाली और नेकलेस देखता हूँ। मुझे समझ में आ गया, वेनिला ने बिल्कुल सच कहा है, मुझसे प्यार करने के लिए कोई लड़की आएगी ही नहीं, ना कोई है ना होगी। अच्छा बता, तुझे सामने क्या नजर आ रहा है? हाथों में कंगन, कानों में बाली, झुमके। मुझे लड़के की आंखें नजर आ रही हैं। उसकी आंखें और मेरी आंखें बात कर रही हैं।